बड़ी आज हम जो है जो लिमिट का कंटिन्यूटी चैप्टर करेंगे टॉपिक होगा लॉगरिथम। क्या होगा? लॉगरिथम। लॉगरिथम ठीक है, लॉगरिथम चैप्टर होगा। लॉगरिथम में जो है इसके पहले हमने लिमिट कंटिन्यूटी निकाली थी, लिमिट पे कौन कौन सी, जैसे ये कहां पे निकाली थी हमने, फ्रैक्शनल था, फिर क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था, आज हम क्या लॉगरिथम। लॉगरिथम के निकालने से पहले हम कुछ यह फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टाइम्स टू पी हो एक पावर एक्स माइनस वन एक्स अपॉन वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ए। शर्त है ए इज ग्रेटर देन, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। ये तीन फॉर्म होते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। लॉग लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। अच्छा, इससे पहले एक फॉर्मूले पढ़े होंगे तुमने, ये पढ़े होंगे जैसे लॉग वन प्लस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स पावर फोर अपॉन फोर प्लस एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव एंड सो ऑन। ये हो गया लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब है ई पावर एक्स का क्या होता है, वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स पाई फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव एंड सो ऑन। ये जो है ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आप सबने कि लॉग वन प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का ही रिपीट होता है अल्टरनेट से। ई पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल थ्री एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल फोर एक्स स्क्वायर बाई अपॉन एंड फोर। ये जो है फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है भाई। इस तरह अब जैसे एक सवाल है, ये आता है जिस तरह हम जो है फंडामेंटल करते हैं, जैसे ठीक है उतार रब कर लू भाई, तो फर्स्ट चांस टू जीरो लॉग वन प्लस एच अपॉन लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एच अपॉन एच, ये बेस एच का टेन। अब इसका बेस होता था ई होता था, क्या होता था ई। अब ये फॉर्म है लॉग टेन वन प्लस एच इंटू एच, तो इसको लॉग टेन का इसका जो लॉग का बेस है जो फॉर्मूले होते हैं लोग तीन होते हैं, क्या है इसका लोग जो है बेस क्या है टेन, इसको लोग को टेन को ही ई बेस में बदल लो, क्या फॉर्मूला जाएगा लोग टेन का, सबको याद होगा भैया लोग ई वन प्लस एच लोग क्या जाता है लोग ई वन प्लस एच लोग टेन ई अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो।
अभी हम फॉर्मूला पढ़ गए हैं लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया लॉग वन प्लस एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भी फॉर्मूले में अभी लिखाया था, कितनी आ गई थी वैल्यू, वन आ गई, वन मल्टीप्लाई ये क्या गया लॉग टेन ई, क्या आ गया लॉग टेन ई, जो की लिमिट से बाहर आ गया लॉग टेन ई, लॉग टेन ई की वन की वैल्यू क्या आ गई लॉग टेन ई, और बात समझ में, ये फॉर्मूला आ गया लॉग टेन ई। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये कहां से आया कि लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू बिलो वन, ये लॉग टेन ई, ये होता है ना लॉग, ये लॉग टेन वन प्लस एच का फॉर्मूला क्या आ गया लॉग ई एच, क्या आ गया लॉग वन प्लस टेन एच का फॉर्मूला क्या है, इसके लॉग ई में बदलने के लिए ये कर दो तो उसका पी एच से ई कर दो, ये इसका लॉग ई में बदलने का क्या होता है मेथड होता है, क्या होता है ये, फिर मान लिया जैसे है लॉग टेन एक्स है लॉग टेन एक्स, फिर नो इसे क्या जाता है लॉग एक्स लॉग ई एक्स मल्टीप्लाई लॉग टेन, इसका ये सिंपल फॉर्म रहता है, क्या होता है इसका ये फॉर्मूला, ठीक है रुटो थे रब करते भाई, भाग रहा है अब, यह क्वेश्चन है मेरा एक और, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस टू एच 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 माइनस माइनस वन प्लस एच अपॉन एच स्क्वायर, इसको लिमिट निकालनी है, एक तो इसका जो है वो फॉर्मूला रहता है एल हॉस्पिटल रूम से भी देख सकते हैं, लेकिन वो हर जगह जो है बजबा बहुत लेंथी रहता है, इसको चेक करने के पहले सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देते हैं लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स बोल रहे वन प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स क्या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर एंड फोर एंड, अच्छा सेम टू माइनस टू लॉग वन प्लस एक्स क्या जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स पावर फोर एक्स पावर फोर अपॉन फोर अपॉन
आर नॉट अपॉन एच स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू जीरो। और इसके टू के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू एच माइनस एच स्क्वायर बाई टू, टू एच माइनस एच स्क्वायर बाई टू मतलब एच क्यूब, टू एच माइनस टू एच स्क्वायर फोर अपॉन फोर। अब इसमें से माइनस है तो जाएगा माइनस टू एच प्लस टू एच स्क्वायर बाई टू एच माइनस टू एच क्यूब बाई थ्री प्लस टू एच फोर अपॉन फोर एंड फोर अपॉन एच स्क्वायर। ये प्लस टू एच से ये माइनस टू एच गया, इस प्लस टू एच से ये माइनस टू एच गया, ये क्या आ गया इसमें ये आ गया है फोर एच स्क्वायर। क्या आ गया ये फोर एच स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू जाएगा क्या आ जाएगा टू एच स्क्वायर माइनस के टू एच स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। क्या आ गया टू एच स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर, तो माइनस के एच स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस के एच स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा ये आएगा एट एच क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू एच क्यूब बाई थ्री। एट में टू जा गया क्या आएगा सिक्स एच क्यूब बाई थ्री, ये टू एच क्यूब बाई थ्री टू एच क्यूब बाई थ्री अपॉन एच का स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू जीरो। एच टेंस टू एच स्क्वायर से दोनों से कॉमन आ जाएगा क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या आ जाएगा दोनों में से क्या कॉमन लिया गया माइनस एच स्क्वायर कॉमन लिया गया माइनस वन प्लस टू एच अपॉन एच स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया क्या आ गया माइनस वन प्लस टू एन जी में देखिए क्या आएगा माइनस टू वन। लिमिट क्या आ गई इसकी लिमिट एच टेंस टू जीरो इसकी क्या आ गई इक्वल टू माइनस वन आ गई। ठीक है भाई डॉट इसको यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्वेश्चन है लिमिट
एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, वन माइनस कोस टू एक्स, वन माइनस कोस टू एक्स, थ्री प्लस कोस एक्स अपॉन क्या है, वन माइनस कोस टू एक्स, थ्री प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स टेन फोर एक्स, एक्स टेन फोर एक्स। देखो अगर तो इसमें एक्स है तो एक्स ही मान लेंगे यहां, जिसमें जीरो पॉइंट जीरो बाई फोर भी नहीं बन किया, अगर एक्स टेन टू जीरो लिखो, वन माइनस वन जीरो तो जीरो, ये जीरो आ गया, चलो टेन टेन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, मल्टीशन करेगा, बहुत लंबा चैप्टर पड़ेगा, तो इससे क्या तरीका है, एक और समझ में आ रही है मेरी बात। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल कितना होता है, वन होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है भाई, वन आता है, इसे मैं क्या वन बना लूंगा, क्या बना लूंगा मैं वन, ये टेन वन बना लूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस टू एक्स, थ्री प्लस कोस एक्स, एक्स टेन फोर एक्स है, इसे नीचे से फोर एक्स इसे एड कर लूंगा और फोर एक्स की मल्टीप्लाई कर दूंगी, लिमिट लगा के टेन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स कितनी वैल्यू होगी इसकी, टेन एक्स अपॉन एक्स की कितनी होगी इसकी वैल्यू, वन होगी, वो भी दिल्ली, अच्छा ये क्या बचेगा फिर, वन माइनस कोस टू एक्स, थ्री प्लस कोस एक्स अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी होता है वन माइनस फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कोस एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ये हाफ कितना होता है, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, अब इसकी वैल्यू ये है वन माइनस कोस टू एक्स, इसे क्या बोल सकता हूं मैं, वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू एक्स का होल स्क्वायर थ्री प्लस कोस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ही है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ही है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई फिर, वन अपॉन टू क्या आ गई, वन अपॉन टू आ गई है, या इसे एक एक काम कर लेते हैं, इसे इसके ना ये कह दिए, इसका क्या करते हैं, इसे कोस टू एक्स को फॉर्म ले सकते हैं, वन माइनस कोस टू एक्स है, वन माइनस कोस टू एक्स है, वन माइनस क्या है, कोस टू एक्स है, वन माइनस कोस टू एक्स के फॉर्म क्या आता है, वन माइनस टू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आ गया, वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, इससे वन से बन जाएगा, क्या आ गया, टू साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ गया, टू साइन स्क्वायर एक्स आ गया, क्या आ गया, ये टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू एक्स का होल स्क्वायर थ्री प्लस कोस एक्स, ठीक है, अब इसको जो है साइन एक्स अपॉन साइन टू एक्स कर लूंगा, क्या कर लूंगा इसके, साइन, अच्छा ये क्या आ गया यहां से, मिटो इसको, ये कितना आ गया, टू साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया, टू साइन स्क्वायर एक्स थ्री प्लस कोस एक्स अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, अच्छा
इसका मतलब कितना आ गया, ये इसे कर लूंगा 2/4 का मतलब 1/2, 2/4 का मतलब कितना आता है, 1/2, ये आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 3 प्लस कोस एक्स, 3 प्लस कोस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या आ गया, इसकी वैल्यू फिर आ गई साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी साइन जीरो अपॉन जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी कहीं भी अगर ये फॉर्मूला होगा साइन एक्स अपॉन एक्स, इसमें लिमिट कुछ भी नहीं हो, ये फॉर्म देखते हैं साइन जीरो अपॉन जीरो में हो रही नहीं हो रही है, तो साइन एक्स टेंस टू जीरो तो सिंपल है ही है, अगर यहाँ लिमिट कुछ और भी होगी लेकिन इस फॉर्म में आ रहा है साइन जीरो अपॉन जीरो, जब भी इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो इसकी तो वन हो गई, 1/2 इसकी तो वन हो गई, वन इसमें लिमिट रख दूंगा, लिमिट रख के क्या आ गया है, लिमिट रख के क्या आ गया, 3/2 क्या आ गई इसकी आंसर, 3/2 आ गया, क्या आ गया, 3/2 आ जाएगा, ठीक। इस तरह भी इसको जो है आंसर को इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। मैं पानी पी लूं 1 मिनट के लिए। सेटिंग नहीं हुआ रही, देखो भाई अब क्या आता है इसमें, इसमें आता है लिमिट एक्स टेंस, अब नया क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, साइन पाई एक्स स्क्वायर साइन पाई और स्क्वायर एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये कर लो, लिमिट क्वेश्चन है ये मेरा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई। देखो भाई अब इससे पहले क्या करता हूं मैं, ये 0/0 फॉर्म में भी नहीं बन रहा है कि भी जीरो ऊपर तो बन जाएगा, नीचे नीचे जो है जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जो है इसे जो है एल ए हॉस्पिटल रूल नहीं लेगा, इसमें क्या नहीं लेगा, इसमें एल ए हॉस्पिटल रूल नहीं लेगा, इसे क्या कर लेता हूं मैं साइन पाई, इसे एक्स स्क्वायर ही कर लेता हूं, क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर ही कर लेता हूं, ठीक है, इसे कर देता हूँ साइन पाई कोस स्क्वायर एक्स, क्या करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन, और ये पाई बाहर आई, साइन क्या है, साइन क्या जगह है, साइन पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब पाई के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन फाइव माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा। साइन कल ही बताया था मैंने कि जैसे ही है ना, ये जैसे ही है, ये जीरो होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, यानी 180 में से ये जाएगा इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये क्वाड्रेंट किसका होता है, जो साइन और कोसेक ही होते हैं पलक के, साइन और कोसेक, इसके अलावा सारे क्या होते हैं माइनस के। तो साइन पाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई माइनस स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये साइन और ये पाई है, ये क्या, जब ये पाई की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यहाँ पाई आएगा, क्या आएगा पाई, ये पाई आ जाएगा। अब देखो, अब इसको साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने के लिए जो इसका एंगल है पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसे दोनों तरफ से क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स की पाई साइन स्क्वायर एक्स की क्या कर दूंगा, मेरे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स, ये किसकी, ये किसकी वैल्यू बन गई, इसकी एक बन गई, क्या बन गई, ये एक बन गई, फिर लिमिट लगा के फिर क्या बच जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ये पाई तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई, किसमें वैल्यू आ गई, फिर वो ये आ गई ना, ये इतनी लिख सकता हूं मैं, इसको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पाई साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ गया, पाई साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, तो लिमिट एक्स टेंस इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन पाई मल्टीप्लाई वन इक्वल टू फाइव, दैट इज इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई, ठीक है भाई, यहां तक के ओके, कोई प्रॉब्लम, रब करें भाई आगे बढ़े, अब है क्वेश्चन है नया, लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो और टू माइनस वैल्यू ऑफ के,
फाइंड द वैल्यू ऑफ सी दी लिमिट एक्स टेंड्स टू गिव एक्स पावर इन पॉइंट में माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर सॉरी फोर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फोर डिवाइड टू टू की पावर माइनस के अभी मेरे दिन में कितनी गलती आई लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन अपॉन एक्स पावर एट वन माइनस फोर स्क्वायर अपॉन टू माइनस फोर स्क्वायर बाई एक्स बाई फोर में से चार को मैं ले लिया और माइनस टू मैंने फोर स्क्वायर बाई टू दोनों मैंने तुम्हें ले लिया ये क्या आ गया ये भाई देखो ये क्या था साइन एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन एक्स पावर टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई फाइव इक्वल टू टू पावर माइनस के इसकी लिमिट निकालनी थी इसकी लिमिट उससे निकालनी है और लिमिट निकालने के बाद इसने दे इसकी लिमिट टू माइनस टू और माइनस टू इस क्वेश्चन में इसकी के की वैल्यू निकालनी है के की वैल्यू निकालनी है किस तरह पहले तो एडिटिव ये रखा फिर इन दोनों में फोर एक्स स्क्वायर बाई फोर कॉमन ले लिया ठीक फिर इन मतलब मैंने फोर स्क्वायर बाई टू दोनों में कॉमन ले लिया ये फिर क्या आ गया ये आ गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू वन फोर स्क्वायर बाई फोर एक्स पावर एट इक्वल टू टू की पावर माइनस फोर। अच्छा अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वन बाई टू ये लिमिट का टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू क्या होता है ठीक इसी तरह इसमें फॉर्मूले लगा देंगे इसमें क्या होता है फॉर्मूला ये इसका स्क्वायर का अपॉन आना चाहिए तो ये किस तरह आएगा वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इसका क्या आएगा ये अपॉन इसका स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर नीचे क्या आ गया ये टू की पावर फोर टू फोर फोर से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक इसी तरह से ये आ गया वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर का होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इंटू मल्टीप्लाई फिफ्टी ठीक ये पावर कितनी आ गई टू टू द फोर 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 टू द फोर फोर एट ये रखी है एट ये लिमिट तो ठीक होगी ठीक है ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू होगी हाफ इसकी सारी की फिर लिमिट रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी भी इस तरह ही फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ हाफ ये रही हाफ ये रही और नीचे फोर है और सिक्सटीन है तो क्या आ जाएगा यहाँ टू की पावर माइनस के चली गया सभी बराबर तो क्या आएगा वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन टू मल्टीप्लाई वन अपॉन सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन अपॉन टू इक्वल टू की पावर माइनस के टू की पावर माइनस के दो ये कितनी आ गई टू की पावर
दो एक तीन, दो एक चार, एक दो एक चार और एक 3 × 22 की पावर -6 दो और एक तीन और चार सात एक आठ 1/4 की पावर 8 × 2 की पावर -6 टू की पावर -8 × 2 की पावर -6 k = 8 कितनी आ गई 8 आ गई ठीक है। x² - 1 5x² ((x²)) - 2x²² ((2x-1) वो जैसे ये कल भी करा थे इस तरह क्वेश्चन मैंने क्या होगा ये जैसे लिमिट x → 1 लिमिट x → 1 ये जूबे क्यों रख लेंगे ना x² - 1 sin² π(x) इसको दोनों को मैं इसको इसको लेंगे क्या ले लूंगा x² - 1 - 2x³ + 2x ठीक है। अब इसको फॉर्मूला कर लूंगा क्या है एक ये है a² - b² का फॉर्मूला होता है ये a² - b² क्या होता है a + b a - b इसी तरह क्या आ जाएगा ये x² - 1 sin² π(x) अपॉन क्या आ जाएगा ये x²² - 1² - 2x को मैं लेके क्या आ जाएगा x² - 1 2x लिमिट x → 1 ये क्या आ जाएगा ये x² - 1 sin² π(x) अपॉन इसको एक बार जोड़ दूंगा एक बार घटा दूंगा भैया x² + 1 x² - 1 - k
टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, फिर इन दोनों से जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या लूंगा, कॉमन ले दूंगा मैं, ठीक है। स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर प्लस वन माइनस दोनों टेन के जाएंगे, ठीक आगे लिमिट एक्स टेंस टू वन साइन स्क्वायर फाइव एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या है, अब क्या करना है तुम्हें, अब इसमें चाहे तो इसको जो है एक्स माइनस वन को क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, और चाहे इसको जो है एल हॉस्पिटल रूल से भी लगा सकते हैं, जैसे एक्स माइनस वन को क्या कर दिया एक्स माइनस वन की कर दो एल्फा, एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या आ गया एल्फा आ गया, जब x की वैल्यू वन रखेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो ये क्या आ गया साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस अल्फा, वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा ये आ गया, ये आ गया फाइव स्क्वायर फाइव प्लस फाइव अल्फा अपॉन अल्फा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन फाइव प्लस थीटा ठीक है भाई, तो इससे जो है मान लिया कहीं फॉर्म लो ये फॉर्म लो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है हम जो है इसकी वैल्यू जो है वन मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं वन मान लेते हैं। अच्छा इसे जो है अगर इसके जो है ये चाहिए कर लो उसको एक बार और लिमिट एक्स टेंड्स टू वन साइन पाई माइनस पाई एक्स अपॉन ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये जो है ये फी जो है इस पे एंगल बिलोंग करता है, ये साइन जीरो अपॉन जीरो होना चाहिए, लिमिट इसकी कुछ भी हो, लिमिट जीरो हो कितनी भी हो, ठीक है। आगे लिमिट एक्स टेंस टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू वन ये क्या आ गया साइन पाई दोनों में से कॉमन आ गया, ये आ गया वन माइनस एक्स अपॉन किसी भी नीचे कर सकते हैं वन माइनस का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर है ये, नीचे स्क्वायर है ये क्या आगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको जो है ये इसको जो है पाई बनाने के लिए पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर करेंगे, ठीक है ये जो है ये तो वन हो जाएगा, ये ऊपर वन जाएगा तो वन मल्टीप्लाई फाइव स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर, ये क्या आंसर आ गया इसका, वन मल्टीप्लाई पाई पाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ये
वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, नेट चैनल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए ई पावर एक्स माइनस वी अपॉन एक्स इक्वल टू क्यू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए ई पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल टू। अब अगर ये है फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी को निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, ए ई पावर एक्स का फॉर्मूला वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री एक्स पावर फोर अपॉन फोर माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल टू टू लिमिट एक्सटेंड्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। अब इनमें से अंदर एक मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए एक्स अपॉन थ्री प्लस ए एक्स पावर फोर अपॉन फोर एंड सोन माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल टू टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ए और माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस ए एक्स पावर फोर अपॉन एक्स इक्वल टू टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। लिमिट क्या आ गया, एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा जब ये भी x टेंस टू जीरो आए, ये लिमिट इसकी कॉन्स्टेंट आ गई है, ये क्या आ गई है कॉन्स्टेंट आ गई है, तो इसकी न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर दोनों क्या हो जाती है जीरो होनी चाहिए, मतलब जो है सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जो ये है कॉन्स्टेंट क्या आ गई हो, ये क्या हो गया जीरो के इक्वल होगा, क्या हो गया जीरो के इक्वल होगा, क्या आ जाएगा ए माइनस बी क्या जाएगा ये ए माइनस बी क्या जाएगा यहाँ से ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू क्या जाएगा बी आ जाएगा, ये है ना ए माइनस बी इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। और ये फिर ए इक्वल टू पुट, अगर ए इक्वल टू बी की वैल्यू रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस ए एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स इक्वल टू टू इक्वल टू टू। अब इससे एक्स से एक्स की पावर टू क्या आ जाएगा ए एक्स अपॉन टू, क्या आ जाएगा ए एक्स अपॉन
यहाँ ए माइनस बी प्लस एक्स, ए माइनस बी प्लस एक्स, यहाँ से एक्स भी आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर ये जो है टू आ रहा है, तो क्या आ जाएगा ए इक्वल टू, क्या आ जाएगा यहाँ से टू, ए इक्वल टू टू, फिर ये जो है कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो इससे एक्स एक्स और जाएगा कॉन्स्टेंट जो है ए इक्वल टू टू, ए इक्वल टू टू की वैल्यू रखते क्या आ जाएगा जी इक्वल टू ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू टू। अंडरस्टैंड भाई इसको सही मैं हट के बताऊं, देखो भाई ये है इस फॉर्मूले में ये है कि इसकी लिमिट टू आ रही है, इस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की क्या आपकी चाहिए सेम आनी चाहिए पावर, तो न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर कितनी है, डिनोमिनेटर की वन, तो वन वन से अलावा जितने भी होंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, अब इस जो ए है अब यहाँ बचा तो ए ए इक्वल टू वैल्यू कितनी आना चाहिए टू आनी चाहिए, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू टू था तो बी इक्वल टू टू, तो हैंस ए एंड बी आर ए वैल्यू सेम, ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू टू। अब क्वेश्चन है नया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में, एक्स टेंस टू जीरो, ए एक्स ई पावर एक्स, ए एक्स ई पावर एक्स माइनस बी लोग वन प्लस एक्स, जी लोग वन प्लस एक्स प्लस सी एक्स e की पावर x, सी एक्स e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x इज इक्वल टू टू, तो क्या आ गया x की पावर टू, ए एक्स e की पावर x माइनस बी लॉग वन प्लस एक्स, सी एक्स e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ से, ए एक्स ई पावर एक्स की वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन माइनस बी लॉग वन प्लस एक्स, क्या देगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव एंड सो ऑन प्लस सी एक्स ई की पावर एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड सो ऑन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू भी रख दूंगा, साइन एक्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स पावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन, ये हो गया भैया। अच्छा
अब देखो, अब इसकी ए एक्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसकी ए एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा ये, ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ए एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ए एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर पावर 2 माइनस बी एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस बी एक्स पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स पावर 3 अपॉन 2 एंड अपॉन एक्स पावर 2, ये क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई, और ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या है, इन दोनों में से जो है एक्स कॉमन ले लूंगा, इसमें से, इसमें से और इसमें से, एक्स कॉमन लेके क्या आ गया, ए माइनस बी प्लस सी, क्या आ जाएगा, जो ए माइनस बी प्लस सी, एक्स कॉमन लेके क्या आ जाएगा, जो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस, ये है ए एक्स की, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, फिर क्या कॉमन ले लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके क्या आ जाएगा, ए प्लस, ए प्लस बी, बी अपॉन टू, बी अपॉन टू प्लस सी, बी अपॉन टू, बी अपॉन टू, अच्छा अगर ये बाई चांस मान ले यहां, अगर ये मान ली यहाँ एक्स होता माइनस के, तो क्या लगता है ये वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ क्या लगता है ये माइनस, यहाँ क्या लगता है माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स की पावर 3, यहाँ क्या लगता है माइनस के सी एक्स, क्या लगता है ये ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो क्या आएगा ए प्लस बी बाई टू माइनस के सी। सिमिलरली कि इनमें से क्या कॉमन ले लूंगा मैं, एक्स की पावर 3 खरीदूंगा, क्या खरीद, क्या एक्स की पावर 3 कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, एक्स पावर 3 कॉमन लेके क्या हो जाएगा यहाँ से, ए अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, यानी कि ए अपॉन 2 प्लस ये क्या आएगा बी, बी अपॉन टू, क्या आएगा ये ए अपॉन टू अपॉन बी अपॉन, बी अपॉन 3, बी अपॉन 3 माइनस के बी अपॉन 3 माइनस के बी अपॉन 3 आ गया, माइनस बी अपॉन 3 माइनस के ये 3x³ है। सी एक्स, सी एक्स के सी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 2 ये 4 अपॉन 3 किया जाएगा, ए अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 3 ये क्या आएगा प्लस सी बाई 2,
प्लस थ्री बाई टू, और सबकी लिमिट्स ये दो चल रही है, सबकी लिमिट्स यहाँ की कुल चल रही है ये। नीचे आई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पावर थ्री प्लस एक्स पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव इक्वल टू टू, इक्वल टू टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अच्छा अब इसमें देखते हैं, फिर इसमें वही फॉर्मूले देखेंगे कि ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है तो न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर कितनी होनी होती है, सेम होती है। न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है, तो इनके जो है कॉन्स्टेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जो भी इसके इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ से थ्री आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये थ्री, इसका कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, इसकी जो एक्सेस छोटा कॉन्स्टेंट है ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टू आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी इसकी टू, ए बाई टू माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, क्या आएगा ए बाई टू माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, इन तीनों को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करो टू, ये पहली आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, इन तीनों को सोल्व करो फिर से जल्दी से। ठीक है भाई, इन तीनों को सोल्व करो, जल्दी सोल्व करो भाई, ने पहली क्वेश्चन दूरी तीसरी, नहीं तो मैं सोल्व करता हूँ, जल्दी सोल्व करो उसको, जल्दी सोल्व करके देखो पहले, फिर ए बी सी की वैल्यू फिर देखेंगे आ जाएगी, सोल्व करो जल्दी से। यार इसको देखो, देखो हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, ए बी सी ए बी है, तीन अननोन है, जब तीन इक्वेशन है तीनों को सोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे तीनों को सोल्व करो ने, क्या आया भाई जल्दी करो उनको सोल्व, या मैं कहीं देखो, अरे पहले इसको इसको ए को एलिमिनेट कर लो इसमें से, फिर इसमें से ए को, इन दोनों में से ए को एलिमिनेट करो, इन दोनों में से ए को एलिमिनेट करो, फिर बी और सी आ जाएगी, फिर बी और सी में से दोनों को फिर इक्वेशन आ जाएंगी, तो जैसे हाँ भाई बोलो क्या आ गया, बोलो बोलो, ठीक है तो ये आ जाता है हाँ ठीक कह रहे, क्या आ गया भाई बोलो, ए इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू ट्वेल्व, सी इक्वल टू नाइन, ए इक्वल टू थ्री, ए इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू ट्वेल्व, सी इक्वल टू नाइन, ये आंसर आ गया, चेक कर लेना यही इसका आंसर आ गया, थ्री ट्वेल्व नाइन, थ्री माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन, ये आ गया ना देखो, थ्री माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन कितना आ गया, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व कितना आ गया, दैट इज योर आंसर भाई। इसी तरह के ये क्वेश्चन आता है बहुत आईआईटी में, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई, ठीक है आज के लिए इतनी क्लास, और कोई प्रॉब्लम हो नेक्स्ट टर्न पे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, थैंक्स।